नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी, आइए देखते हैं 2 मिनट में दर्जन खबरें। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया, जिसके बाद पवार ने बुलाई बैठक। सरकार के लिए शिवसेना ने मानी पवार की शर्त, 30 साल पुराने गठबंधन को बाय बाय। ईद मिलाद रविवार को बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्वक तरीके से बीता, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, सरकार कोई भी बनाए लेकिन चलेगी नहीं, चुनाव होगा। सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। हैदराबाद के कच्चीगुड़ा स्टेशन के निकट 2 ट्रेन आपस में टकराई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के अस्पताल में फंड की कमी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पे तंज, कहा इस पर भी फुल पेज विज्ञापन निकालिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बैठक के बाद लेंगे फैसला। अयोध्या फैसले को देखते हुए बुंदेलखंड के जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित। लता मंगेशकर को सांस लेने में हो रही शिकायत के बाद ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, हालत नाजुक। देवगन की 6वीं फिल्म तनाजी के लिए पत्नी काजोल और शाहरुख खान ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शिफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शाखा 9 न्यूज़, मत भूलना।